जब भी किसी को हायर करें उनके पिछले कंपनी के बारे में या पिछले कोचिंग के बारे में एचआर या ऑनर को कॉल करके जरूर पूछें कि भैया आपके यहाँ से एक शिक्षक आए हैं, आपके यहाँ से एक स्टाफ आए हैं जिनको हम अकाउंट्स में हायर कर रहे हैं, रिसेप्शन पे हायर कर रहे हैं, इनका पास रिकॉर्ड क्या रहा है, आप क्या इनसे संतुष्ट रहे हैं, कोई इधर उधर की बात तो नहीं ये करते हैं। तो अब वो आपको अच्छे से बताएंगे कि सर हमारे यहाँ अच्छे से थे, अच्छे से रह रहे थे। सो हाय हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। अब मैंने सोचा है कि कुछ ऐसी वीडियोस लाई जाएं जो आपको हेल्प करे डिसीजन लेने में, यानी डिसीजन मेकिंग वीडियोस। जो मेरा अपना तजुर्बा रहा है 2016 से, जो मेरी अपनी पढ़ाई रही है बीच में बिजनेस को लेके अलग अलग प्लेटफॉर्म और कोचेस के द्वारा, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको सही तरीके से चीज़ों को बताया जाए। आप आज जिस भी पैमाने पे हैं, कल आप बड़े होंगे, कोशिश और छोटी छोटी चीज़ें हमें स्टार्टिंग लेवल में ही सीखनी चाहिए और चेंजेस करने चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है एग्रीमेंट फॉर हायरिंग न्यू टीचर और स्टाफ। आपका अपना यूट्यूब चैनल है या नहीं है, ऑफलाइन कोचिंग है, आप हायरिंग करते हैं, टीचर करते हैं, स्टाफ करते हैं, और आप कैसे करते होंगे, देखा किसी को अच्छा लगा, बातचीत करने में अच्छा, और आपने हायर कर लिया। स्टार्टिंग में चीज़ें तो नहीं प्रॉब्लम करती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वो प्रॉब्लम करना शुरू कर देते हैं, या तो आपको छोड़ के जाएंगे या आपके अगेंस्ट में जाके खड़े हो जाएंगे। तो आपको किन बातों पे ध्यान देना है और कैसे अपने को मजबूत रखना है कि कल को ऐसा सिचुएशन हो तो आप अपने को मजबूत रखें, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप कोई हायरिंग निकालें उसमें डिस्क्रिप्शन प्रॉपर रखें, हायरिंग आपको क्यों चाहिए, किस लोकेशन से होना चाहिए, राइट, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या केआरए और केपीआईज होंगे जिसको आप हायर करने वाले हैं। उसके बाद जब भी आप इंटरव्यू लें, इंटरव्यू को 3 प्रोसेस में आप बांट दें, ठीक है। सबसे पहले आपने इंटरव्यू लिया जहां आपने पर्सनल वेरिफिकेशन पूरा कर लिया कि पर्सन कहां से है, पिछले कंपनी या पिछले कोचिंग में कितने साल से पढ़ा रहे हैं, स्टेबल कितने हैं, इनकी मनस्थिति कैसी है, और अगर इसको और डीप डाइव करनी है तो कोई साइकोलॉजिकल आप स्टेप लेके कोई उनसे टेस्ट ले सकते हैं, जिससे कि आप देखिए 4 टाइप के पर्सन होते हैं हम आप जो हैं, या हम आप में, या तो मैं प्रोसेस मैन हूँ, या पीपल मैन हूँ, या एक्शन मैन हूँ, या आइडिया मैन हूँ, आप भी। तो यानी हम जिस टाइप से हैं हम वैसे ही अपने वर्किंग कल्चर को एम्पावर कर सकते हैं, राइट। तो ये सब टूल है जिससे कि आप टेस्ट लेके ये पता कर सकते हैं कि मैं उनको फीस काउंटर पर रखने वाला हूँ तो फीस काउंटर वाला बंदा लॉयल है या नहीं है, मैं इनको इसलिए हायर कर रहा हूँ और हमें ये काम करवाना है उसके लिए लॉयल है या नहीं है, उस टेस्ट के रिजल्ट के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद जब भी किसी को हायर करें उनके पिछले कंपनी के बारे में या पिछले कोचिंग के बारे में एचआर या ऑनर को कॉल करके जरूर पूछें कि भैया आपके यहाँ से एक शिक्षक आए हैं, आपके यहाँ से एक स्टाफ आए हैं जिनको हम अकाउंट्स में हायर कर रहे हैं, रिसेप्शन पे हायर कर रहे हैं, इनका पास रिकॉर्ड क्या रहा है, आप क्या इनसे संतुष्ट रहे हैं, कोई इधर उधर की बात तो नहीं ये करते हैं। तो अब वो आपको अच्छे से बताएंगे कि सर हमारे यहाँ अच्छे से थे, अच्छे से रह रहे थे। अगर वो फीडबैक में ये होता है कि नहीं मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो आप अपने हायरिंग प्रोसेस में पुलिस वेरिफिकेशन का ऑप्शन रखिए, पुलिस वेरिफिकेशन। अब आप ये कहेंगे यार पुलिस वेरिफिकेशन क्यों, पुलिस वेरिफिकेशन थर्ड पार्टी कंपनीज करती हैं। देखिए कल आप बड़े होंगे, कल आप बड़े होंगे तो कल कोई चोट आपको बड़े लेवल पे ना मिले, इसलिए आपको ये चीजें आज सही करनी पड़ेंगी, ठीक है। मैं भी अपने एक्सपीरियंस पे से बता रहा हूँ, मैं भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, बड़े यूट्यूबर्स को जानता हूँ जिन्होंने बहुत धोखे खाए हैं और आज वो अपने को सही कर रहे हैं, पहले सही कर लिए होते शायद नहीं होता। पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आपने थर्ड पार्टी कंपनी को वेरिफिकेशन काम दे दिया तो वो आपसे क्या करते हैं, पर वेरिफिकेशन आपसे पैसा लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक वेरिफिकेशन से आपसे ले रहे हैं 2000 रुपए, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि आपके बिहाफ पे उस इम्प्लॉय का पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं,
इससे क्या फायदा है कि भाई जो आपके यहाँ हायरिंग आप जिसकी कर रहे हो वो चोर तो नहीं है, वो डिफॉल्टर तो नहीं है, उसके ऊपर मर्डर केस तो नहीं है, हाफ मर्डर केस तो नहीं, क्योंकि ये सारे लोग फेस और बातों से इतने इनोसेंट होते हैं कि आप इनको पकड़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर इतना कुछ किया और अभी तक पकड़े नहीं गए हैं तो कला तो है, तो इससे ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब क्या हुआ, कैंडिडेट का बैकग्राउंड अच्छा है, कोई पुलिस रिकॉर्ड में नहीं है, यानी अब ठीक है। तब अब आप आइए स्किल पे, अब स्किल पे बात करिए कि आपको मैथ्स पढ़ाना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। और अगर YouTube पे आप किसी को पार्टनर लेके आ रहे हैं तो आप बोलेंगे आपको 2 घंटा डेली पढ़ाना है, इस 2 घंटे के अगेंस्ट में हम आपको पैसा देंगे, अगर आप एप्लीकेशन से सेल आएगी तो ये परसेंटेज होगा, जो भी आप बोल रहे हैं वो डॉक्यूमेंट में रहे, वो डॉक्यूमेंट होता है NDA, ठीक है, कि जैसे हमारे आपके बीच में जो बातचीत हो रही है उसको हम पेपर पे लाए। देखिए पहले क्या होता था कि लॉयल्टी ना ऐसे ही होती थी, चलो यार जुबान दे दिया, ठीक है, पेपर से बढ़ के था। आज के टाइम पे सब कुछ बढ़ के है जुबान छोड़ के, तो भाई आप सच्चे हो मैं सच्चा हूं मानते हैं, चलो एक बार पेपर पे भी सच्चाई को छाप देते हैं, आप भी साइन कर लीजिए हम भी साइन कर लें, कल को हम आपको तकलीफ ना दे आप हमें तकलीफ ना दे तो कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आप एक NDA बनाएंगे, अब NDA कहाँ से बनाएंगे, आप किसी प्रोफेशनल लॉयर को हायर कर लीजिए, ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें फोन कर सकते हैं, हमेशा से नंबर डिस्प्ले में होता है 8527926648 पे, हम आपको बेहतर गाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले कोशिश करें कि आपके पास कोई लॉयर हो। NDA एग्रीमेंट कभी ChatGPT से मत बनवाना, कभी कॉपी पेस्ट करके मत बनाना, कभी किसी से ले के उन्हीं का एग्रीमेंट ट्रिम करके मत बनाना, पैसा खर्चा करिए, बड़ा बन रहे हैं आप, सिक्योर कर रहे हैं अपने धंधे को, अपने बिजनेस को, तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लीजिए और बनवाइए आप प्रॉपर, क्योंकि आपका थीम अलग है, दूसरे का थीम अलग था, तो कॉपी पेस्ट क्यों। और आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, उर्दू आती है, पंजाबी आती है, मराठी आती है, गुजराती आती है, अपने लैंग्वेज में आप अपने लॉयर को बताइए, वो इंग्लिश लैंग्वेज में या रीजनल लैंग्वेज में एग्रीमेंट जो बनाए उसमें ध्यान जरूर दें। 2 लैंग्वेज जरूर हो, एक इंग्लिश लैंग्वेज, एक आपका रीजनल लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है, अगर गुजरात से है तो गुजराती लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी बेल्ट से तो हिंदी लैंग्वेज, सो दैट कि दोनों पार्टी हर एक टर्म्स कंडीशन को समझ पाए, अग्री कर पाए, तो इससे क्या होगा बहुत जल्दी साइन वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन सब चीजों पे बहुत होशियारी से, सतर्क से काम करें। लीगल होना बहुत जरूरी है, मतलब अपने को लीगल करना, ठीक है, जैसे अब आपके अपना YouTube चैनल है, आपका अपना लोगो है, आपका अपना फेस है, आपका अपना कलर है, आपका अपना थीम है, आपका अपना आइडिया है, आपका अपना विजन है, सबको डॉक्यूमेंटेड करिए, सब कॉपीराइट के अगेंस्ट उसमें आएंगे। कल को आपका आइडिया अगर कोई चोरी करके वीडियो बनाता है उस पर भी आप केस कर सकते हैं, आपका फोटो, आपका बुक, आपका सिग्नेचर, सबको करिए। मान लो ये सब करने में आपके 1,00,000 रुपये खर्चा हो रहे हैं, करो आप, ये कल को आपके 1,00,000,000 रुपये बचा देंगे। आने वाले समय में हमेशा से चलता है पेपर, अगर पेपर पे लिखा है तो आप लड़ सकते हैं, क्योंकि देख रहे हो आप क्या है, कानून अंधा है ना, सुना है, लेकिन वो पेपर पढ़ता है, पेपर ही सब कुछ है। पहले जब मैंने बिजनेस शुरू किया था और आज भी, मैं लॉयल्टी पे ज्यादा बिलीव करता हूँ, यार चलो बोल दिया ठीक है करेंगे, तो मेरे अपने किटी में भरोसा बहुत बड़ा था। कुछ इंसिडेंट हुए हमारे साथ भी, और उस इंसिडेंट के बाद अभी जहां मैं स्ट्रांग नहीं था पेपर पे, वहां खुद को कर रहा हूं, चीजों को समझ रहा हूं, और ये चीजें आपको आज नहीं तो कल समझनी पड़ेंगी, तो क्यों ना पहले समझ लें। आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कोई जानकारी आपको चाहिए आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, हम आपको गाइड कर देंगे, अदरवाइज आप, ये पूरा काम एक एडवोकेट का है,
तो ये वीडियो ऐसा नहीं कि हम आपको सर्विसेज एडवोकेट की देने वाले हैं, आप अपने एडवोकेट से बात करिए, नहीं है तो मैं इनपुट दूंगा। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स को, बहुत सारे यूट्यूबर्स को हमने उनका एनडीए बनाने में हेल्प किया है, ठीक है, ट्रेडमार्क दिलाने में हेल्प किया है, कॉपीराइट वाले में किया है, तो बहुत सारी चीजों में हम पर्सनली हेल्प कर देते हैं क्योंकि हमारे पास लोग हैं, हेल्प करते हैं, कोई रिकमेंड नहीं करेंगे, आपको नंबर दे देंगे, आप उनसे बात करिए, वो आपसे जो भी उनका चार्ज है वो आपसे लेंगे। लेकिन सबसे पहले आप कोशिश करिए कि आप अपने लोकल लॉयर से बात करिए। एक सुझाव आप कमेंट के जरिए देना या कॉल करके देना, अगर आपको लगता है कि मुझे इस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए जो आउट ऑफ द बॉक्स हो इन ये IFP स्टूडियो के अलावा जो हो, तो आप मुझे बताना, मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास बहुत सारे कंटेंट है और मेरे पास कोर तजुर्बा है, प्रैक्टिकल। देखो आज हमारे पास 100 लोगों की टीम है, तो इतनी बड़ी टीम यूं ही नहीं चलती, इतने ब्रांचेज हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, लगभग इतने सारे स्टूडियोज हमने लगा दिए हैं, तो यानी तजुर्बा बहुत लंबा है, प्रैक्टिकल तजुर्बा है, बड़े छोटे लोगों का साथ है, अच्छे अच्छे नेटवर्कर हमारे साथ हैं, यूट्यूबर हमारे साथ हैं, बिजनेसमैन हमारे साथ हैं, तो उनके साथ भी जब चर्चा होती है, साथ में हम चाय पीते हैं तो बातचीत ही करते हैं, बस यही। हम सब क्या बात करेंगे, ये तो बात करेंगे सिचुएशन नंबर वन, अगर ये है सर तो क्या करना चाहिए, ये है तो क्या करना चाहिए, तो हम सब डीप डाइव करते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। तो लगभग जो 100 करोड़ की कंपनी के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो हम बता सकते हैं अभी फिलहाल, ठीक है, कोशिश करेंगे कि हाँ प्रैक्टिकल में हम बता सकते हैं आपको। एक होता है कि पढ़ के आप MBA करके बिजनेसमैन बनते हो, एक एक्सीडेंटली आप बिजनेसमैन बनते हो, तो हम लोग क्या है, एक्सीडेंटल बिजनेसमैन है, गिरे हैं, सीखे हैं, गिर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वी आर हियर फॉर हेल्प यू 100% ब्लैक एंड व्हाइट के साथ, प्योरिटी के साथ, बाइनरी में आपको समझाएंगे। और मुझसे अगर आप पर्सनली टाइम चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में आप पिंग कर देना मुझे, लेट्स ग्रो विथ मिश्रा जी, ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, अभी मैं वीडियोस पे फ्यूचर में लाऊंगा, यहाँ हम चैट कर सकते हैं, वहाँ आपको कुछ भी पूछना है आप चैट के माध्यम से पूछेंगे, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और ऐसी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं, लगेंगी, मतलब की होंगी, तो मैं वीडियो और बनाऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।